Hello, students, and welcome back to BankExamsToday.com. My name is Ramandeep Singh, and today we are going to discuss the eligibility criteria for IBPS RRB Scale 2 and Scale 3 2024 exam. We factors discussed factors in depth. If you have any doubt ha mind mein, please use the discussion board for doubt clearing. Right? My name is Ramandeep Singh, and I have been teaching on bank exams today from last 14 years. This is my WhatsApp number. अभी भी अगर आपके माइंड में कोई डाउट है एलिजिबिलिटी को लेकर तो यू कैन ड्रॉप मी व्हाट्स व्हाट्सएप मैसेज इफ देर इज एनी कॉम्प्लिकेटेड केस बट मैं ट्राई करूंगा कि सारे के सारे डाउट्स को मैं आज ही सॉल्व कर दूं राइट सो आई बीबीएस ट्वेंटी फोर इट्स अवेलेबल ऑन बैंक एग्जाम्स टूडे एंड वी आर कवरिंग द द द एंटायर सिलेबस इन इन एंड टेस्ट सीरीज इज इंक्लूडेड राइट सो जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वी कैन डिवाइड इट थ्री पार्ट्स एज एजुकेशन एंड वर्क एक्सपीरियंस राइट उसके बाद एक स्पेशल फैक्टर है सिबिल का जो आपकी सिब्बिल की क्रेडिट रेटिंग है आपकी क्रेडिट रेटिंग है दैट इज आल्सो अ फैक्टर जो आज हम डिस्कस करेंगे द फर्स्ट वन द एजुकेशन क्वालिफिकेशन फॉर स्केल टू एंड स्केल थ्री यू नीड फिफ्टी मार्क्स इन ग्रेजुएशन बैचलर्स डिग्री में आपके पचास मार्क्स ज़रूरी हैं फ्रॉम आ रेकग्नाइज यूनिवर्सिटी आई यूनिवर्सिटी विच इज रेकग्नाइज बाई यू जी सी और ए आई सी टी ई प्रेफरेंस वुड बी गिवन टू द कैंडिडेट्स जिन्होंने ग्रेजुएशन करा है बैंकिंग फाइनेंस मार्केटिंग एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर फॉरेस्ट्री एनिमल हजबेंड्री वेटनरी साइंस एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग पेसीकल्चर एग्रीकल्चर मार्केटिंग एंड कॉपरेशन आई टी मैनेजमेंट लॉ इकोनॉमिक्स अकाउंटेंसी इन uh, शॉर्ट इसमें आई गेस आर्ट्स नहीं है और इसमें आपका इंजीनियरिंग नहीं है uh, नॉर्मल इंजीनियरिंग uh, है उसको छोड़ के सभी इंक्लूडेड हैं बट प्रेफरेंस वुड बी गिवन इसका कुछ एडिशनल बेनिफिट ज़्यादा कुछ होता नहीं है सो इफ़ यू हैव डन ग्रेजुएशन विद 50 परसेंट मार्क्स फ्रॉम अ रिकगनाइज यूनिवर्सिटी यू विल बी एलिजिबल अगर ये सारों में नहीं भी है बैंकिंग में नहीं भी है अगर बी ए बी आपने बी एस सी कुछ भी कर रखा है विद्टी परसेंट मार्क्स देन यू आर एलिजिबल फॉर बोथ स्केल टू एंड स्केल थ्री एज क्राइटेरिया फॉर स्केल थ्री इज मिनिमम एज चाहिए ट्वेंटी वन मैक्सिम फोर्टी ईयर्स स्केल टू के लिए ट्वेंटी वन मैक्सिमम थर्टी टू ईयर्स ओके ये एज क्राइटेरिया है राइट लास्ट ईयर का जो कट ऑफ डेट था ये एज को कैलकुलेट करने के लिए जो कट ऑफ डेट है लास्ट ईयर था थर्टी फर्स्ट ऑफ मे 2023 और एग्जाम हुआ था 10th ऑफ सितंबर 2023 इस साल एग्जाम होना है 29th ऑफ सितंबर 2024 तो एक्सपेक्टेड डेट जो है मोस्ट प्रोबेबली 30th ऑफ जून 2024 होगा सो so 30th ऑफ जून 2024 इस डेट को अगर आपकी एज 21 से 40 के बीच में है देन यू विल बी एलिजिबल फॉर स्केल 3 एंड अगर थर्टियत ऑफ जून 2024 को आपकी एज है 21 वन uh, इक्कीस से लेके बत्तीस साल तक देन यू विल बी एलिजिबल फॉर स्केल टू सो कट ऑफ डेट कैन चेंज यहाँ पे जो कट ऑफ डेट है थर्टियत ऑफ जून जो मैंने यहाँ पे मेंशन करी है दैट कैन बी थर्टी फर्स्ट ऑफ मे बट मोस्ट प्रोबेबली इट इज़ गोइंग टू बी थर्टियत ऑफ जून मोस्ट प्रोबेबली राइट ध्यान में रखें अब लॉट ऑफ क्वेश्चन इसके रिगार्डिंग बहुत सारे क्वेश्चन मुझे व्हाट्सएप में पूछे जाते हैं और नहीं बताता तो फिर से पूछ लेते तो दिस इज द एक्सपेक्टेड डेट ये एक्सपेक्टेड डेट है सो दिस इज नॉट द फाइनल जो डेट है नोटिफिकेशन जब आएगा तब पता चलेगा दिस इज दिस वन इज एक्सपेक्टेड एक्सपीरियंस रिक्वायरमेंट फॉर स्केल टू जी बी ओ टू ईयर्स एज एन ऑफिसर इन अ बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट स्केल थ्री के लिए फाइव ईयर एक्सपीरियंस एज एन ऑफिसर इन अ बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट सो क्लर्क या एग्जीक्यूटिव वाला एक्सपीरियंस जो है एग्जीक्यूटिव या क्लर्क वाला एक्सपीरियंस है वो वैलिड नहीं है दैट इज नॉट वैलिड बहुत सारे कैंडिडेट्स को रिजेक्ट करा गया है पिछले सालों में एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू अगर आपके पास किसी पी एस यू बैंक का क्लर्क का एक्सपीरियंस है देन यू आर नॉट एलिजिबल फॉर दिस पर्टिकुलर पोस्ट ये याद रखें एंड मोस्ट प्रोबेबल कट ऑफ डेट फॉर कैल्कुलेशन ऑफ एक्सपीरियंस दैट शुड बी थर्टीयथ ऑफ जून ट्वेंटी ट्वेंटी फोर दैट इज़ मोस्ट प्रोबेबल डेट सो मोस्ट प्रॉबल कट ऑफ डेट फॉर दैलकुलेशन ऑफ एक्सपीरियंस थर्टीथन टी टी फोर इसको याद रखें यह प्रॉबेबल है फाइनल नहीं है क्लर्क का एक्सपीरियंस वैलिड नहीं है एंड एक इंपॉर्टेंट फैक्टर यहाँ पर आ जाता है वॉट इज द मीनिंग ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बैंक का तो पता है ऑल द प्राइवेट सेक्टर बैंक्स एस बी आई एसोसिएट्स भी नेशनलाइज्ड बैंक प्राइवेट सेक्टर बैंक्स चाहे वो इंडियन बैंक है फॉरन बैंक हैं कोऑपरेटिव बैंक्स ये सारा एक्सपीरियंस आपका स्टेट डिस्ट्रिक्ट Uh, सारे अर्बन कोऑपरेटिव बैंक सारे कवर होते हैं आर आर बीज़ का एक्सपीरियंस ऑब्वियसली कवर्ड है इंश्योरेंस कंपनीज़ और एन बी एफ सीज़ का भी इंश्योरेंस कवर uh, जो का जो एक्सपीरियंस है वो कवर्ड है मुथूत फाइनेंस मनपुरम फाइनेंस के बहुत सारे स्टूडेंट्स पास्ट में पास हुए हैं इवन जो इसमें एन बी एफ सीज में एच एफ सीज़ हैं हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज़ है उसका भी वैलिड है इंश्योरेंस uh, कंपनीज़ में एल आई सी का जो एक्सपीरियंस है वो भी वैलिड है सो so, इनमें से कोई भी अगर आपको एक्सपीरियंस है वर्क एक्सपीरियंस है तो वो सारे के सारे एक्सपीरियंस आपके वैलिड हैं ओके सो क्रेडिट हिस्ट्री नाउ दैट इज एन इंपॉर्टेंट फैक्टर अगर आपने में, पास्ट में कोई एडुकेशन लोन लिया कोई ऐसा लोन लिया है जिसमें आपने डिफॉल्ट किया तो मोस्ट प्रोबेबली आपका सिबिल स्कोर जो है वो साढ़े छह सौ से कम होगा सो मिनिमम सिबिल स्कोर रिक्वायर्ड इज सिक्स फिफ्टी मेनी टाइम्स आई हैव नोटिस इवन मेरे केस में ऐसा हुआ है कि uh, जो कई बार कुछ एक फाइनेंस कंपनीज हैं या कुछ एक बैंक्स हैं वो आपके पैन पे गलत जो है लोन को अटैच कर देते हैं ऑब्वियसली यू नीड टू टेक सर्विसेज ऑफ सम लॉयर्स या आप डायरेक्टली भी सिबिल की वेबसाइट पे जाके सिबिल की वेबसाइट पे जाएंगे और ट्रांस यूनियन की तो वहां पे आप डिस्प्यूट भी रेज कर सकते हैं पहले तो अपना स्कोर चेक करें अगर कुछ गलत इन्फॉर्मेशन है तो डिस्प्यूट रेज करें अभी से कर लें बिकॉज दैट इज अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस ये मैं अभी से क्लियर कर रहा हूं कि कई बार ऐसे होता है कि आपने कोई डिफॉल्ट नहीं करा है लेकिन किसी और का जो अकाउंट है वो आपके पैन के साथ लिंक हो गया बैंक की गलती की वजह से एन की गलती की वजह से मेरे केस में आदित्य बिरला फाइनेंस था ये तो होता है तो दैट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम दस दिन बीस दिन एक महीना दो महीना तो वेरी नॉर्मल तो इसकी वजह से भी आ, आपका डिस्कॉलीफिकेशन हो सकता है विदाउट योर फॉल्ट साढ़े छः सौ का सिबिल स्कोर चाहिए एंड आपको इसका सर्टिफिकेट जमा करवाना होगा या बैंक दे आर गोइंग टू चेक इट दिन इफ़ यू डू नॉट हैव एनी बैंक अकाउंट दैट इज अ बेस्ट थिंग नो सिबिल स्टेटस इज रिक्वायर्ड ओके So students, IBPS, RRB, Scale 2, Scale 3 course, we are, all, uh, we are providing this on bankexamstraday.com. We are providing video classes, notes, quizzes, live sessions, test series and all the uh, the study material on our mobile app. Link to join the course is available in the description. If there is any doubt in your mind regarding the eligibility, you can WhatsApp us, call us, we are going to answer your doubts. So, list of our successful students in the past. All these students that took our courses in the past and they cracked their successful uh, their their uh, their, uh, their exams right successfully for IBPS RRB scale two scale three. All these students that took our courses and they cracked their respective exams. And I'm really really happy for them. So, these are the students in the IBPS RRB GBO scale two one scale three in 2023. पिछले साल के स्टूडेंट्स ये हमारे सारे स्टूडेंट्स पास हुए थे एंड आई एम आई एम रियली प्राउड ऑफ दैम राइट सो दीज आर आर अचीवमेंट्स इन द प्रीवियस ईयर्स इफ देर इज एनी डाउट इन योर माइंड प्लीज़ आस्क योर डाउट्स एंड वी आर गोइंग टू आंसर योर डाउट्स और हम सारे के सारे कॉल्स का जवाब देते हैं सारे के सारे व्हाट्सएप मैसेजेस का रिप्लाई तो हम फॉर श्योर sure देते ही हैं राइट सो इफ देर इज एनी डाउट इन इन योर माइंड एनी डाउट प्लीज़ आस्क योर डाउट्स एंड वी आर गोइंग टू आंसर ऑल योर डाउट्स राइट And that's all for today, students. Thank you and have a very nice day. Bye-bye.